आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो इलेक्शन कार्निवल तमाम राज्यों के रंगों को समेटते हुए आ पहुंचा है अवंतिका या कनक श्रृंगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो अब समझ जाएंगे। हम हैं कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन में। वो उज्जैन जहां पर महाकाल बसते हैं, वो उज्जैन जो राजा विक्रमादित्य की नगरी है, वो उज्जैनी जो महान कवि कालिदास की नगरी है। शिप्रा के तट पर बसा ये खूबसूरत शहर उज्जैन संस्कृति और विज्ञान दोनों को खुद में समेटे हुए है। यहाँ पर खगोल शास्त्री भी कहते हैं कि पृथ्वी का केंद्र है उज्जैन। करीब 18 लाख मतदाता है उज्जैन और लोकसभा जो आलोट की जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है उसमें। और यहाँ पर हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उनके मुद्दों को उठाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। और हमारी कोशिश ये रहेगी तमाम जनता से जुड़े मुद्दों को हम यहाँ पर उठाएं। करीब 7000 किलोमीटर का सफ़र हम तय करके यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर इस बार मैदान में उज्जैन में 9 प्रत्याशी हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी में ही दशकों से हम देखते चले आ रहे हैं। हम है मध्य प्रदेश की बेहद खास बेहद लोकप्रिय सीट उज्जैन आलोट जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, वहां से हम अब आपके सामने लेकर आए अपना इलेक्शन कार्निवल। और इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान जो हैं वो जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ बीजेपी से सुल्तान सिंह शेखावत जी जो हैं वो जुड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश जैन बोस जी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ने जा रहे हैं अर्जुन सिंह चंदेल। तो सबसे पहले सुल्तान जी, मैं आपके पास ही यहाँ पर आना चाहूँगी। अगर हम बात करें, बहुत लंबे वक्त से आप लोग सत्ता में हैं, लेकिन अगर कुछ बुनियादी मुद्दों की यहाँ पर बात की जाए तो उसको लेकर अभी भी चिंता जो है वो व्यक्त की जाती है। खासकर जो जीवनदायिनी है यहाँ पर शिप्रा नदी, उसकी गंदगी जो है एक वो बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बन चुकी है। और यहाँ पर अब लोगों को ये कहीं ना कहीं डर भी सताने लगा है कि शिप्रा की जो हालत है, शिप्रा जिस हाल में है, क्या कुछ सालों के बाद शिप्रा नदी का अस्तित्व भी रह जाएगा या नहीं। आखिर क्या वजह है कि इतना वक्त बीतने के बाद भी शिप्रा का जो प्रदूषण है वो अब तक कम नहीं हो पाया है। नमस्कार। सर्वप्रथम आपका और सभी यहाँ जो हमारे दर्शक भाई हैं उन सभी का स्वागत करते हैं। आपने जो प्रश्न किया है शिप्रा के संबंध में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नगर निगम ने समय समय पर इस शिप्रा के शुद्धिकरण का बराबर समय समय पर कार्य किया है। और लगातार इसमें जो दूसरी नदियां मिल रही थी उनको भी रोकने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ अभी हमने जो गंगा नदी का जो प्रोजेक्ट था उसके साथ शिप्रा को रोकने का प्रयास, जोड़ने का प्रयास किया है। इसके कारण आने वाले समय में लगभग 550 करोड़ की लागत से इस शिप्रा शुद्धिकरण का कार्य किया जाएगा। दिनेश जी, आप बताइए यहाँ पर कितने लंबे समय से ये यहाँ पर है, शिप्रा नदी का प्रदूषण दूर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर हम पिछले 35 सालों की बात की जाए करें तो सिर्फ एक बार कांग्रेस सत्ता में आई है 2009 में। क्या वजह है कि यहाँ पर मुद्दे हैं लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पा रही है? भारतीय जनता पार्टी को, या जब अभी आपने जो प्रश्न पूछा, आपने समस्या बताई कि पोल्यूशन और ये पानी, गंदा पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है, तो समाधान क्या मिला कि 550 करोड़ की योजना आ रही है गंगा की। ये सब्जेक्ट उज्जैन का है। अभी हमारे उम्मीदवार खुद उस गंदे पानी के अंदर नहाए हैं और पूरा वीडियो वायरल हुआ है, करीबन 10 से 20 लाख लोगों ने देखा है। गंदे नाले में नहा रहे हैं वो और बता रहे हैं कि इस तरीके से ये गंदे नाले शिप्रा नदी में मिल रहे हैं। और 10 साल में उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना पैसा खत्म किया गया ये बताएं, शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए कितना रुपया खत्म किया गया ये बताएं। मैं आंकड़ों सहित बता सकता हूं कि जीरो। शिप्रा शुद्धिकरण के लिए कुछ भी नहीं हुआ। और अभी जब हमारे उम्मीदवार ने वहां पर डुबकी लगाई गंदे नाले के पानी में शिप्रा नदी के अंदर, और वो गंदा नाला उसके अंदर गिर रहा था, उसके बाद CM साहब आए, पूरा क्या बोलते हैं उसको, प्लेटफॉर्म साफ करवाया गया तट, और उसके बाद उन्होंने उसमें डुबकी लगाई। उनको डुबकी लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, ये क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? बिल्कुल, अभी हम देख रहे थे कि
उज्जैन में अभी हम देख रहे थे उज्जैन में ये डुबकी लगाने की जो राजनीति है वो देखने को मिलती है। कांग्रेस के प्रत्याशी है महेश जी, उन्होंने डुबकी लगाई, फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव आते उन्होंने शिप्रा में डुबकी लगाई ये दिखाने के लिए कि प्रदूषण नहीं है। शेखावत जी, दिनेश जी की बात का जवाब। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन के निवासी है और उज्जैन के निवासी होने के नाते प्रतिवर्ष शिप्रा शुद्धिकरण का वो खुद स्वयं आगे बढ़ करके यहाँ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से श्रमदान का काम करते हैं और शिप्रा में स्नान करने का जहाँ तक सवाल है वो उसी जगह पे स्नान किया है जहाँ पर ये जिनका महेश जी का बता रहे हैं और कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि वहाँ स्वयं जहाँ पर स्नान करने गए तो वहाँ के उनके साथ में उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके साथ जो लोग रहेंगे वो तो रहेंगे, उनको कैसे मना कर सकते हो आप। बाकी जहाँ तक शिप्रा स्नान का सवाल है उसी जगह स्नान किया और आज भी आप देख सकते हैं वो सारा शुद्ध किया हुआ स्थान है वहाँ पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन सिंह चंदेल जी भी बैठे हुए हैं। चंदेल सर, यहाँ पर ये बताइए, 16 नालों का पानी शिप्रा नदी में गिरता है, इंदौर की जो गंदगी है औद्योगिक गंदगी वो शिप्रा नदी में गिरती है, उज्जैन के लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनके लिए कई समस्याएं हैं, ऐसे में क्या वाकई कोई समाधान है या यहाँ पर कोई नीयत जो है वो नजर नहीं आ रही है शिप्रा का प्रदूषण कम करने की? सर्वप्रथम मैं NDTV के दर्शकों को प्रणाम करता हूं और उज्जैन वासियों को ये बधाई देना चाहता हूं कि आज हम सब के लिए गर्व की बात है कि जो आज एंकरिंग का काम कर रही है हमारे बीच अदिति राजपूत, वो उज्जैन शहर की सेठी नगर की रहने वाली है, तो जोरदार तालियां अदिति के लिए। और मैं मानता हूं कि आज हमारा भी सीना एकाध इंच बड़ा होगा कि आज हमारे शहर की आज एंकर के रूप में आज हमारे बीच है। और जहाँ तक शिप्रा शुद्धिकरण की बात चल रही है भाजपा कांग्रेस के बीच, तो मैं इस शहर के 6 लाख लोगों का दुर्भाग्य कहना चाहूँगा, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सही दिशा में प्रयास किसी के द्वारा भी नहीं किया। प्रयास कांग्रेस ने भी करा पर वो भी असफल रही और बीजेपी ने करा वो भी असफल रही। और जिस मोक्षदायिनी शिप्रा के कारण इस शहर की पहचान है, इस उज्जैनी की पहचान है, उसकी दिशा में पिछले 25 वर्षों से जो भी सरकारें रहीं, वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार, दिल दिमाग और सच्चे ढंग से प्रयास नहीं कर पाए, ऐसा मेरा मानना है। और आज भी स्थिति वही 25 साल पहले वाली जस की तस बनी हुई। यातायात के मुद्दे की अगर बात करें, आप हर किसी चौराहे पर अगर आप चले जाएंगे, ट्रैफिक अच्छी खासी समस्या बन गया है, हजारों ई रिक्शा जो है वो उज्जैन की सड़कों पर नजर आते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं विवाद भी होता है, जो रिक्शे हैं या जो दूसरी गाड़ियां हैं उनको जो मंजूरी दी जाती है उसके लिए कोई मापदंड नहीं है इस तरह से कि किस तरह से उन लोगों को मंजूरी दी जा रही है उसने की, तो इसकी फिर व्यवस्था क्या की जा रही है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है शेखावत जी, ऐसे में दिक्कतें हो रही हैं। उज्जैन की जनसंख्या लगातार बढ़ रही और महाकाल लोक के कारण से, महाकाल में नया जो सुदृढ़ीकरण हुआ है उसके कारण से लगातार जनता बढ़ रही, रोज लाखों लोग आते हैं जाते हैं, इसलिए उनके लिए वाहन की आवश्यकता है। और गरीब लोग आते हैं, गरीब लोगों के लिए ऑटो की जरूरत है, टेम्पो की जरूरत है, ई रिक्शा की जरूरत है जी। और जहाँ तक ई रिक्शा का सवाल है, ई रिक्शा गरीब लोग चलाते हैं और ई रिक्शा गरीब लोग चलाते हैं, इसके लिए उनको लाइसेंस जहाँ तक देने का सवाल है। ये मुद्दे की बात, ये जो बात आप कह रहे हैं कि गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा है उस बात को हम नहीं छेड़ रहे, लेकिन यहाँ पर अगर आप भी ट्रैफिक से दो चार हो रहे हैं, आपका परिवार दो चार हो रहा है, तो उस समस्या का भी समाधान निकालना होगा। जगह हमारे पास इतनी ही है ना, जगह तो नहीं बढ़ने जा रही है। जहाँ तक वाहन व्हीकल सड़क पे चलेंगे ट्रैफिक की समस्या आएगी और बाहर के आने जाने वाले व्हीकल वाहन जब हजारों की संख्या में आएंगे ट्रैफिक की समस्या है, इसका समाधान समय सीमा में पहले भी सुनिश्चित किया गया है, आगे भी सुनिश्चित करेंगे हम उसको। चंदेल सर, ये हम ये जो समस्या है हम लगातार देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों में ये लगातार बढ़ रही है और अब हम देख रहे हैं कि महाकाल लोक बन गया है, उसके बाद तो ये समस्या और बढ़नी ही है। क्या जो बात शेखावत जी कह रहे हैं वो संतुलन एक जरूरी है, यहाँ पर रोजगार किसी का छीनने की बात नहीं हो रही, लेकिन आपको एक संतुलन बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं उनकी परेशानी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अदिति, तुम बिल्कुल सही, तुमने मुद्दा उठाया, इस शहर की तुमने नब्ज पकड़ी है, पर ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष प्रयास नहीं कर रहा है जी। उज्जैन का पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी और तन्मयता के साथ इस समस्या के निदान के लिए लगा हुआ है। जहाँ तक तुमने रिक्शा की बात करी, ई रिक्शा की बात जी, लगभग आज की तारीख में 5,365 रिक्शा यहाँ पर रजिस्टर्ड है, और मेरा ऐसा मानना है कि इससे दो गुना अनरजिस्टर्ड भी ई रिक्शा चल रहे हैं।
उज्जैन के जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने 1 मई से व्यवस्था लागू करी है कि जितने भी ई रिक्शा हैं उनके सबके रूट निर्धारित करें। उसमें 34 लोगों के आवेदन भी आ गए और कुछ को रूट निर्धारित भी कर दिए गए और आने वाले समय में शहर देखेगा कि यातायात व्यवस्था में निश्चित तौर से जो प्रयास कर रहा पुलिस प्रशासन सुधार नजर आएगा। और जब कोई समस्या आती है अदिति तभी उसका समाधान खोजा जाता है और उस दिशा में वो प्रशासन काम कर रहा है, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन। जी दिनेश जी, रखिए आप अपनी बात। आपने जो प्रश्न पूछा है कि भाई ट्रैफिक की व्यवस्था के बारे में आपका क्या मत है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 3 चीजें होना जरूरी है। एक मेन पावर और ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए वो ऑफिसर्स और जो खड़े रहते हैं ट्रैफिक मैन वो, और एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा मतलब राजनीतिक परिपक्वता, इन तीनों में फेल है, इसीलिए समस्या है। तो ये समस्याओं का समाधान नहीं बताते, समस्या कैसे हो रही उसके बात करेंगे या इधर उधर भग जाएंगे। अगर करना है तो यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था करें, ट्रैफिक अधिकारी बढ़ाए और ट्रैफिक मैन बढ़ाए सबसे पहले, कल ही ये काम करें। 2 लाख लोग रोज आ रहे हैं तो ये काम करें, शायद इनको ये पता नहीं है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, नई पुलिस में व्यवस्था भी सही होगी की गई है, प्रमोशन किया गया है, होना चाहिए, क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आवश्यकता के हिसाब से ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक के अधिकारी अभी बढ़ाए गए हैं और लगातार बढ़ाए हैं। यहाँ पे ट्रैफिक वाला नजर आ रहा है, उनका प्रमोशन भी किया गया है, क्षेत्र में सारे लोगों को लगाया गया है, नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो समस्या से जूझ रहे हैं, जो मैं लोगों से बात करती हूँ, लोगों से मैं सुनती हूँ कि हम इंदौर से कनेक्टेड है, आर्थिक राजधानी है हमारे मध्य प्रदेश की इंदौर, मात्र 1 घंटे का रास्ता है उज्जैन, लेकिन जब छात्रों की छात्राओं की बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो उच्च शिक्षा के लिए आप उन्हें उज्जैन में नहीं रख सकते। अभी मैं यहाँ पर लोगों से जाके बात करूँगी, ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे कि उन्हें 12वीं के बाद या शुरू में ही उन्हें बाहर भेजना पड़ा है। तो शिक्षा के स्तर में अब इस तरह का सुधार हो जाना चाहिए कि हमें यहीं पर समस्या का समाधान मिल जाए। मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ पर, मेडिकल कॉलेज के सर दावे करते करते बहुत वक्त हो गया, कब आखिर खुलेगा? मेडिकल कॉलेज का निर्णय हो चुका है, मेडिकल कॉलेज का निर्णय हो चुका है, कागजों पर ही रह गया है, अभी कागजों पे नहीं है, प्रैक्टिकल में आ गया है। मेडिकल कॉलेज का निर्णय हो चुका है, मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। चंदेल जी बताइए। अदिति, मैं एक मोर मुद्दे पे बात करना चाहूंगा, जो उद्योग धंधे वाली बात जो तुमने कही, वास्तव में यह शहर अभी तक अभिशप्त था, अभी तक उद्योग धंधों के बारे में अभिशप्त था। किसी समय में यहाँ की चिमनियाँ धुआं उगला करती थी और ये पूरा शहर जब कॉटन मिल यहाँ हुआ करती थी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला था, पर इस लंबे अंतराल के बाद वापस यह शहर एक नई करवट ले रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं शिक्षा के स्तर की बात कर रही थी, रोजगार का मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है। जो तुम्हारा जो पहले वाला प्रश्न था उद्योग वाला, उस पर 2 मिनट का समय लेके बिल्कुल बिल्कुल बताइए। यहाँ से 15-17 किलोमीटर दूर विक्रम नगर औद्योगिक क्षेत्र नाम से एक नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है जी। मैं स्वयं उसमें गया था, उसका निरीक्षण करके आया, और पेप्सिको जैसी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कंपनी यहाँ पर 1263 करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है और उसका काम चालू हो गया है। अडानी ग्रुप यहाँ पर आने की उसने सहमति दे दी और उसका भी निर्माण कार्य चालू हुआ। यह मुद्दा सही है कि एजुकेशन के लिए यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। या तो यहाँ के बच्चे कोटा जाते हैं, इंदौर जाते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने प्रयास करा था, यहाँ पर एक नॉलेज सिटी करके बनाई थी यहाँ से इंदौर देवास रोड पर, पर दुर्भाग्यवश वो नॉलेज सिटी का कंसेप्ट जो असफल हो गया, कोई भी कॉलेज कोई भी वहाँ पर अलॉटमेंट के बाद कोई भी बिल्डिंग बनाने को तैयार नहीं हुआ, तो वो उज्जैन वासियों का दुर्भाग्य कि हम उसको डेवलप नहीं कर पाए नॉलेज सिटी को। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकती, आज के यहाँ उज्जैन के बच्चों को कोचिंग के लिए उच्च शिक्षा के लिए या तो कोटा जाना पड़ रहा है। यही मुद्दा मैं उठा रही थी और इसी के लिए मैं शेखावत जी से जवाब चाह रही थी, लेकिन शेखावत जी ने मेडिकल कॉलेज की बात की जो आप कह रहे हैं कि वो खुल जाएगा। दिनेश जी आप अपनी बात रखिए, फिर मैं अब जनता के पास। मैडम मैं पूरे ग्रामीण और शहर दोनों की बात करूंगा। जहां तक एजुकेशन और हेल्थ की बात है तो हमारे यहाँ के लड़के एजुकेशन के लिए इंदौर कोटा वगैरह जाते हैं जी। कोई बड़ी कोचिंग भी नहीं है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट भी नहीं है। और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे उज्जैन जिले के अंदर छोटे छोटे अस्पताल तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। पूरे स्कूल के अंदर स्कूल तो है, छोटी छोटी बिल्डिंगें बनी है लेकिन टीचर नहीं है, सब गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, एक भी टीचर नहीं है। मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाया है कि अगर तुम्हारी एक छोटी सी बिल्डिंग है उसके अंदर भी 7,000 रुपए महीने के अंदर गेस्ट टीचर वहां पर पढ़ा रहा है, और पूरे उज्जैन जिले की यह हालत है, मैं गारंटी से के साथ बोल सकता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक ये कह रहे गेस्ट फैकल्टी वाले, ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत भर्ती होती है, फिर उसके साथ ही उसके साथ में
वो संविदा वाले नियमित होते हैं। चंदेल जी, यहाँ पर एक सवाल मैं सीधा आपसे लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लोगों के पास जाऊंगी, जनता कुछ बातें अपनी रखना चाहती। अस्पताल को लेकर भी एग्जैक्टली यही बात सामने आती है कि अस्पताल बहुत खुल गए हैं, निजी अस्पताल। जब लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं कि बस ये लूट का एक संसाधन यहाँ पर अस्पताल जो है वो बन चुके हैं। जब किसी को इलाज की जरूरत पड़ती है या जरा सा भी किसी को तकलीफ होती है, एडवांस इलाज की जरूरत पड़ती है, उज्जैन में लोगों को भरोसा नहीं है, वो तुरंत लेके इंदौर जाते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर्स भी इंदौर ही रेफर करते हैं। तो यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हम शिक्षा की अगर बात कर रहे हैं, हम शिप्रा के जल की बात कर रहे हैं, हम अस्पतालों की बात कर रहे हैं, तो अभी उस मामले में तो हम अभी भी पिछड़े ही हुए हैं। फिर काम हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इतने दशकों में अगर आपकी सरकार है तो फिर शायद चीजें और बेहतर हो सकती थी इससे बहुत ज्यादा। कोरोना के समय में सर्वाधिक इलाज यहाँ उज्जैन में हुआ है, उज्जैन में अस्पतालों की व्यवस्था हुई है, और हमारे सांसद ने सारी व्यवस्थाएं की है। मैं आपकी बात से लगा करके जिसको जहाँ जाने की जरूरत पड़ी वहाँ ले जा करके उसकी मोहन जी ने और सांसद जी ने दोनों ने मिलकर के सारी व्यवस्था। हमारे क्षेत्र में कोरोना वीर के रूप में महेश परमार जी को जाना जा रहा है। कोरोना में जितनी सेवा महेश परमार ने करी है उतनी सेवा किसी ने नहीं करी। स्वीकार करते हैं ना, ये बात तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि हमको रेफर करना पड़ता है, इंदौर जाना पड़ता है, जरा सी भी स्थिति गंभीर होती है तो ये तो स्वीकार तो करिए कम से कम। जो चीज बीमारी के लायक होगा उस बीमारी के लायक उसको उसे अस्पताल में भेजना पड़ता है। अरे तो सारी बीमारियों के लायक यहाँ पर क्यों नहीं है अस्पताल? विषय से अलग हटके, विषय से अलग कैसे हट सकते हैं? लोकसभा की बात है और लोकसभा के विषय की बात करिए। तो सांसद क्या अस्पतालों के काम नहीं करेंगे? सांसद अस्पतालों के काम नहीं करेंगे क्या? ये कोई विधायक का चुनाव नहीं है। मैं समझ गई आपकी बात। चुनाव तो सांसद क्या यहाँ पर स्वास्थ्य, ये केंद्र सरकार से संबंधित मामला है और केंद्र सरकार संबंधित। क्या मुझे ये बताइए, उज्जैन और आलोट की लोगों की जो स्वास्थ्य की समस्या होगी वो सांसद का काम नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या वो सिर्फ विधायक का काम है? सांसद ने दो साल तक लगातार कोरोना के समय में लगातार अस्पतालों का विकास किया और ये पढ़िए आप, इसके अंदर हजारों की संख्या में स्कूलों में सुदृढ़ीकरण किया है, सैकड़ों की संख्या में अस्पतालों में सुदृढ़ीकरण किया है। इन्होंने सर, मैं अभी सड़क के रास्ते से ही आ रही हूँ, लोगों से मिलकर आ रही हूँ। ये तो प्रायोजित है, सारे के सारे सब प्रायोजित है। चलिए मैं अब कुछ जनता के पास यहाँ पर आना चाहूंगी और मेरी गुजारिश रहेगी कुछ महिलाएं अगर यहाँ पर हों तो वो जरूर आगे आए, थोड़ा पार्टिसिपेट करें ताकि सबके मुद्दे जो हैं वो हम वो रख पाए। यहाँ पर क्या मांग रहेगी आपके मन में? बेरोजगारी शिक्षा पे। तो आपको लगता है कि यहाँ पर दिक्कत है? बहुत काम होना बाकी है बेरोजगारी को लेकर? हाँ। बैठिए, मैं कुछ और लोगों से बात करती हूँ। जी, मेरा नाम सलोनी सरगरा है। मैं ये कहना चाहती हूँ जो आने वाली सरकार है वो ऐसे मुद्दे ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे जैसे महिला सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे प्रयास करे जिससे महिला सड़क पर या कभी किसी समय कहीं जाए तो उन्हें ऐसा लगे नहीं कि हम असुरक्षित है। कई स्थान पर अगर वो जाना चाहे तो वो सुरक्षित जाए। रोजगार के ऐसे मुद्दे लाए जाए जो काबिल लोग हैं, जो अच्छे परसेंट बनाकर इतना पढ़ाई करते हैं वो लोग उस मुकाम तक पहुँच नहीं पाते। एक सरकारी नौकरी के लिए उन्हें बहुत सालों तक इंतजार करना पड़ता है, उसके अलावा एक प्राइवेट नौकरी जब उन्हें कहीं चाहिए होती है नहीं होती उसके लिए उन्हें लंबा इंटरव्यू देना पड़ता है और वो सिर्फ इतनी। शेखावत जी, बच्ची जो बात रख रही है ये अपनी छात्रा है, ये कहना चाह रही है यहाँ पर कि असुरक्षा जो है महिलाओं की वो एक बड़ा मुद्दा है। कुछ और लोगों के पास मैं इधर जाना चाहूंगी। आप लोग किसी पार्टी से तो नहीं है? आप कोई बात रखना चाहते? मैं एक छोटा सा किसान हूँ सागर प्रजापत। इन्होंने 2700 रुपए का मतलब बोला था गेहूं का, वो 2700 रुपए गेहूं देना तो दूर की बात, खाद और डीएपी पे भाव को मतलब आज 1200 की बोरी आती थी 1800 रुपए की बोरी कर दी इन्होंने। मतलब किस तरीके से किसान पूर्ति करेगा एक बार इनसे ये तो देखिए। मैडम, कांग्रेस शिप्रा के ऊपर बात करती है। अगर अटल जी की नदियों जोड़ो नदियों की जलधारा वो कांग्रेस चलाती तो आज शिप्रा की ये दुर्दशा नहीं होती। इन्होंने वो योजना बंद करी जोड़ो नदियों की जलधारा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इनके प्रधानमंत्री के नाम से चलाते थे, आज वो जो भी प्रधानमंत्री होगा उसके नाम से प्रधानमंत्री। देखिए वजह है, दिनेश जी आपको जवाब देना होगा। चलिए, हमने बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मुद्दे सुने हैं, जितनी मैं कोशिश कर सकती थी मैंने लोगों से बात की है। और दिनेश जी, आपसे जो सवाल थे आपने सुने थे वो सवाल कि जो नदी पर जो बजट मिला था अगर उस पर वक्त रहते काम हुआ होता तो शायद शिप्रा की ये हालत नहीं होती, ये नाराजगी है लोगों में आपसे भी। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 120 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2014 में हमको यहाँ पर दिया था। उस समय मैं जिला पंचायत सदस्य था 2014 में, और 2014 से लगा के तो 2024 तक सरकार किसकी है?
हमने पैसा सेंक्शन कर दिया, पैसा आ गया, आईटी के माध्यम से आप लगा के देख लें, तो पैसा लगाने की जवाबदारी किसकी थी? 300 करोड़ रुपया महाकाल लोक के लिए भी लाए, 120 करोड़ रुपया वो भी लाए। एक सवाल पैसा लगाने की जवाबदारी एक सवाल जी दिनेश जी, एक सवाल महाकाल लोक पर, महाकाल लोक को लेकर अभी भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी लगातार आपके ऊपर लगा रही है। अभी हमने देखा आंधी में जो मूर्तियां थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, अब तीसरी बार मूर्ति लग रही है, तो जनता की ये नाराजगी भी है कि किसके खर्चे पर आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। दूसरा कि वहां पर भीड़ बढ़ी है तो अपराध भी बढ़ रहा है, उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं वो जरूर बताएं। जहाँ तक महाकाल लोक में भीड़ बढ़ी है, स्वाभाविक है, जब दर्शनीय स्थान है तो भीड़ तो बढ़ेगी, और भीड़ बढ़ी है, इसकी सुरक्षा के लिए हमने अलग से वहाँ पर सुरक्षा कर्मी अपॉइंट किए हैं। महाकाल मंदिर ट्रस्ट ने भी अपने सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाया है वहाँ पर, इसमें महिला कर्मी भी है, पुरुष कर्मी भी है। महाकाल ट्रस्ट ने लगातार संख्या में वृद्धि की है। इसके साथ ही साथ जहाँ तक आपने उसकी बात की है, इसके संबंध में पूर्ववर्ती सरकार ने जांच के आदेश दिए, वो जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। जांच के आदेश और जांच पूरी होने के बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है चंदेल जी कि महाकाल लोक आने से लोगों का रोजगार बढ़ा है, उज्जैन में विकास जो है वो चौतरफा हुआ। लेकिन एक और एक बड़ा सवाल है कि अब वापस 2028 में सिंहस्थ आ रहा है, और हर बार सिंहस्थ आए उससे पहले हम कोई तैयारी करें या उस वक्त तैयारी करें, उससे बेहतर है कि अब दूरदृष्टि रखते हुए ऐसा विकास और ऐसा निर्माण किया जाए कि वो दशकों तक काम आए। बार बार आप निर्माण करें, फिर कोई ओकेजन आ रहा है, फिर आप करें, शायद उसमें खर्चा भी ज़्यादा है और वो नुकसान भी ज़्यादा पहुँचाता है। 2004 का अदिति सिंहस्थ का मैं भी साक्षी रहा हूँ, और सौभाग्य से सिविल इंजीनियरिंग भी हूँ। जो दिनेश जी ने बोला कि 120 करोड़ दिया, बिल्कुल बराबर दिया, पर टेक्निकल रूप से, तकनीकी रूप से वो योजना सही नहीं थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार इस मुद्दे को उठाया कि योजना सही ढंग से नहीं बनी है, जिन लोगों ने भी इंजीनियरों ने बनाई, निश्चित तौर से पूरी तरह फ्लॉप योजना थी। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, आज शहर के सारे प्रबुद्ध नागरिक और यहाँ पर बुद्धिजीवी मौजूद हैं, और उनकी खामोशी बता रही है कि वो सुनना चाह रहे हैं हम सबको। अभी भी जो टाटा की जो योजना चल रही है, एक बहुत लंबे समय से योजना चल रही है, उसे 2018-19 में पूर्ण हो जाना था। यहाँ के नगर निगम में कांग्रेस का भी बोर्ड आया, बीजेपी का भी बोर्ड आया, अभी हम 2024 में बात कर रहे हैं अदिति, पर 2024 तक भी वो टाटा की योजना आज तक पूर्ण नहीं हुई। और मैं NDTV के समक्ष आज ये कहना चाहता हूँ कि जैसा हाल उन 100 करोड़ रुपयों का जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई पानी में चली गई, ये टाटा प्रोजेक्ट का भी वही हाल होने वाला है। जहाँ तक नगर निगम की योजना का सवाल है, हाँ। दो साल कोरोना का समय था, दो साल के कोरोना के समय में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहे थे, इसलिए वो योजना लेट हो रही है। सुल्तान सिंह शेखावत जी का, दिनेश बोस जी का, अर्जुन सिंह चंदेल जी का, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। और महाकाल की नगरी की जब बात हो रही है तो महाकाल लोक में जिस तरह से आप लोगों ने विकास किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, उसकी सराहना यहाँ पर जनता ने की है, लोगों ने की है, जिस तरह से उसके चलते लोगों का रोजगार बढ़ा है, लोगों को नए मौके मिल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कलावती जी आप लोगों की। लेकिन कुछ वहाँ पर अब दिक्कतें जो है वो भी आ रही हैं लोगों को, वो आप तक पहुँची होंगी बात, थोड़ा अपराध बढ़ रहा है, भीड़ जो है वो बढ़ने लगी, अब सिंहस्थ नज़दीक आ रहा है, किस तरह की तैयारियाँ आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, ये उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य की नगरी है, कवि कालिदास की नगरी है, और यहाँ जिस तरह से महाकाल लोक के बनने के बाद जो उज्जैन में एक ग्रोथ आई है, एक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, करोड़ों लोग रोजाना आ रहे हैं, लाखों रोजाना आ रहे हैं, यहाँ की नगर निगम को अपने कामकाज के साथ में एक पैरेलल व्यवस्था पूरी नगर की इस दृष्टि से करनी पड़ती, क्योंकि धार्मिक पर्यटन यहाँ पर बहुत है, हम संसाधन जुटा रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों को एक नए तरह का रोजगार मिला है। जितने भी हमारे यहाँ मकान है वहाँ पर, वो हमारा जयसिंहपुरा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, आज वो शहर का सबसे एक नंबर का क्षेत्र है जिसका विकास हो रहा है, हर घर में होम स्टे बन गए हैं, हर घर में होटल बन गई है, और होटल और का व्यवसाय इतना बढ़ गया है कि शहर में इतनी सारी होटलों होने के बाद भी लोगों को यहाँ से सावेर तक रुकने जाना पड़ता है, इंदौर तक रुकने जाता है, ऐसा विकास एकदम से हुआ है। पिछली बार 2019 की अगर हम बात करें, अनिल फिरोजिया जी 3,65,000 से ज्यादा मतों से जीते थे, अब तो यहाँ पर मोहन यादव जी का ये क्षेत्र हो गया, यहाँ से मुख्यमंत्री वो है,
अब बीजेपी किस तरह की तैयारियां कर रही है, क्या और ज्यादा अंतर से हराने की तैयारी है? देखिए क्या रणनीति है आप लोगों की? हाँ, मैं सकारात्मक बात करती हूँ, मैं किसी को हराने में विश्वास नहीं करती हूँ, पर हम जितनी जगह जनसंपर्क करने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं जनता का जो जोश दिख रहा है वो निश्चित रूप से पिछली बार से दुगने मतों से अनिल फिरोजिया जी जीतेंगे, ये मेरा दावा है। बिल्कुल। अब जरा आपके भाई की बात करते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो तो है, लेकिन उनसे पहले आपके भाई हैं, अपने भाई की कुछ बचपन की यादें हमारे साथ साझा करें, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री हैं, बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो अभी भी लोगों को नहीं पता होंगी उनके मुख्यमंत्री के बारे में, कुछ ऐसी बातें जो आपको याद आती हो। छोटे बच्चे तो सबके एक जैसे ही होते हैं, वो मुझसे काफ़ी छोटे हैं जी। मैंने उनको बचपन में गोद में खिलाया है, तो जैसे नटखट बच्चे होते हैं, आम बच्चों की तरह होते हैं, धीरे धीरे स्कूल जाना और स्कूल के बाद में कॉलेज जाना, कॉलेज के बाद फिर छात्र राजनीति करके शुरू से ही एक कहना चाहिए कि बहुत अच्छे छात्र नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई। लेकिन आपका एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन उनको रहा है राजनीति में, और आप बड़ी बहन रही हैं, तो जब कभी नाराजगी होती थी तो एक आध चपत भी लगा देती थी। देखिए, ये भाई बहन के बीच की बात है, और निश्चित रूप से छोटे भाई और बड़ी बहन के बीच में जो आम रिश्ता होता है, आम परिवारों में होते हैं, क्योंकि हम तो एक आम परिवार के लोग हैं, तो डांटना डपटना ये सब चलता है, बड़ी बहनों तो होता ही है ये सब। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि जो विकास के कार्य हैं, आज जो विकास के कार्य हैं उनको लेकर भी आप बात करती हो कि ये आपने अभी भी नहीं कराया, इस पर काम करो, इस तरह की चर्चाएं होती है भाई बहनों में? नहीं, देखिए, उनको एक विजन वाला नेता कहा जाता है उज्जैन में जी। जब वो विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे तो विकास प्राधिकरण को क्या काम करना चाहिए, कैसे शहर का विकास करना चाहिए, वो उन्होंने दिखा दिया, और सारे लोगों ने उन्हें प्रेम से सम्मान से विकास पुरुष की उपाधि से नवाजा था, और वो विकास पुरुष की उपाधि आज भी उनको मिली हुई है। एक और सवाल जो अब अमेठी और रायबरेली का उठा है, उस पर भी आप अपनी राय प्रकट करके जाइए, क्योंकि अब तो राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने भी साफ कहा है, और एक जो सर्वोच्च नेता है जिस पार्टी का, वो आखिरी दिन तक ये ना बताए कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना है, यही उनका भय प्रदर्शित करता है कि वो दिग्भ्रमित है कि मैं कहाँ जाऊँ, पहले पार्टी का कोई प्रत्याशी देख लूँ कि उनसे मैं जीत सकता हूँ कि नहीं जीत सकता हूँ। जैसे ही अमेठी से पता चला कि स्मृति जी ईरानी चुनाव लड़ रही है, तो वो वहाँ से भाग गए। तो यानी कि आप कॉन्फिडेंट है 400 पार हो जाएगा इस बार बीजेपी का? पक्के में 400 पार होगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कलावती जी आपको हमारे तरफ से, और सभी उज्जैन के मतदाताओं से ये गुजारिश रहेगी कि भूले ना अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर आने के लिए, और शत प्रतिशत वोट डालें। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रहित में मतदान करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हमारे शो का नाम है इलेक्शन कार्निवल, और हम यहाँ पर तमाम रंगीनियाँ जो हैं वो बिखेरने की कोशिश करते हैं जनता के सामने, और उसके ज़रिए हम उन रंगीनियों के ज़रिए मुद्दे जो हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, उन्हें भी आप तक पहुँचाते हैं। और अब उज्जैन में हो और महाकाल की बात ना हो ये संभव नहीं है, तो हमारे साथ बेहद ख़ास यहाँ पर महाकाल जो भस्म रमैया भक्त मंडली है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और उनके साथियों को मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करूँगी अपनी एक विशेष प्रस्तुति के लिए। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस भक्त मंडली के लिए जो भस्म रमैया टीम है, इनका तालियों के साथ एक बार जोरदार स्वागत किया जाए।
बहुत बहुत ही शानदार प्रस्तुति, एक बार मैं सभी से गुजारिश करूंगी जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह के परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने समा बांध दिया यहाँ पर। और चूंकि हम महाकाल की नगरी में हैं, संस्कृति का, धार्मिक पर्यटन का एक अनोखा केंद्र है यहाँ पर, एक अनोखा मेल यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस नगरी में हम यहाँ पर हैं, 13 मई को यहाँ पर मतदान होने वाला है, 18 लाख के करीब मतदाता यहाँ पर हैं। और अब देखना होगा कि क्या जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है उज्जैन आलोट जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर क्या कुछ नया होता है, क्या कुछ उलटफेर देखने को मिलता है, या एक बार फिर से सत्ता में बीजेपी की वापसी होती है, देखना बहुत दिलचस्प होगा।